फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है ओरिजिनल वर्सेस रीमेक 2021। विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट? ओरिजिनल जरूरी नहीं पर वैसे होता है नॉर्मली, मगर क्रेडिट तो ओरिजिनल को देना चाहिए। नए बनाने वाले की थोड़ी उनको डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि अगर ओरिजिनल हिट हो गया है तो न्यू वाले को हिट करने में बड़ी जान लगेगी। अच्छा, मुझे तो लगता है अगर पहले ही हिट हो चुका है तो जब रीमेक करेंगे तो वैसे ही हिट हो ही जाएगा, क्योंकि पहले ही लोगों को पसंद आया। क्योंकि रीमेक और इससे डिपेंड करता है कि आप अगर आपने ओरिजिनल पहले देखा था अपने समय में तब बात अलग है। फिर अगर तो आप ओरिजिनल आपके हिसाब से वही आपने देखा है वर्जन, आपने ओरिजिनल देखा ही नहीं तो आप बोलेंगे जो मैंने देखा है भाई वही अच्छा। रीमेक देखा तो रीमेक ही अच्छा है, वो तो 100% है बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें कितने हैं। और हमें कुछ भी हो सुन सुन बरसात की धुन सुन बिजली चमकी सुन 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 बरसात की धुन सुन बिजली चमकी बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला सहारा बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला सहारा ना वफा ना रसाई तुझे ओ हर जाए वफा ना रसाई तुझे ओ हर जाए। क्योंकि मैंने ये सुन लिया अपने देखो वफा ना रसाई तुझे ओ हर जाए। म्यूजिक ही डिफरेंट हो गया। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए तुझे भूलना पहली बार है आँखें नम जागे मन जुना की तोरी वजह में ये तो नया आया ओरिजिनल है। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने सिटी मार।
पागल है ये प्यार तो तुम भी कितना भाई भाई ओरिजिनल ये प्यार आयो मेरे डांडे और बाकी ना
वीडियो मत देखो, तो सुनो तो वीडियो देखने से फर्क पड़ता है। अब जैसे ये वीडियो ज्यादा अच्छे से अरे भाई ये बेस्ट है, नया वाला भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। उनको किया हुआ है तो थोड़ा टफ होता है क्योंकि फास्ट बीट्स में आपको थोड़ा डांस करने का मन करता है, तो इसलिए जनरली रीमेक इसलिए आपको अच्छा लग सकता है क्योंकि वो फास्ट उसमें साउंड क्वालिटी थोड़ी बेटर, क्योंकि वो नए बने हुए लाउडर है, साउंड क्वालिटी बेटर और पिक्चराइजेशन कितनी की है। कईयों में तो पिक्चराइजेशन ही सिर्फ सिंगर बैठ के गा रहे हैं, उसमें तो पूरा ड्रेसअप होके सारी मतलब पूरा ग्रुप बना के वो डांस हो रहा है, सब हो रहा है, इतनी अच्छा मूवी की तरह। जो और रिकॉर्डिंग टेक्निक्स भी उस समय में इतनी अच्छी नहीं तो थी, वो तो है, बट मैं कहूंगा मेजॉरिटी मुझे ओरिजिनल, मुझे ऐसे थे जहां पे मुझे लगा नए वाले बेटर है। और उसमें रीजन ये भी हो सकता है कि वो इतने पुराने थे कि उस समय रिकॉर्डिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और वॉल्यूम भी बहुत कम था, म्यूजिक भी इतना अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसे थे गाने जो लग रहे थे शायद पाकिस्तान में गाए होंगे, जो यहाँ के रीमेक हुए हैं तो वो भी कुछ लग रहा था कि वहां के गाने शायद इधर आए हैं, परंतु ओरिजिनल बाय फार बढ़िया थे। और क्रेडिट देना भी चाहिए ओरिजिनल को क्योंकि उन्होंने मेहनत करके बनाया है, तो रीमेक वालों ने तो थोड़ा चेंज करके किया ना। और स्टार्टिंग में जो आए थे उसे मिस्टर नौटियाल ने बहुत सारे बनाए हैं मेरे ख्याल से रीमेक्स, उनमें कई काफी अच्छे हैं उनके रीमेक्स। मगर यही है कि अगर आपने जिंदगी में पहली बार वो गाना देखा है, सुना है तो फिर तो आप कहेंगे भी जो मैंने गाना देखा था वही मेरे लिए है, एक पुराना वर्जन है और एक मेरा वर्जन है ओरिजिनल, जबकि ओरिजिनल का मतलब है जो सबसे पहले बना था।
नहीं मेरे ख्याल से यही देख रही थी मैं कि अगर आपने खुद सुना हुआ है, जो आपने सुना है वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, उसके चांसेस ज्यादा हो रहे थे। पर मजा आया देखने के में, मतलब कि कितने सारे रीमेक्स बने, कईयों के तो तीन तीन रीमेक हुए हैं। एक गाने के हमने जो वर्जन देखा था वो बीच का देखा था, तो हमें बीच का अच्छा लग रहा था क्योंकि हमने वो देखा है, पुराना वाला भी है ठीक है, नया वाला वो ठीक है, जो हमने देखा था वही बढ़िया है, वही होता है मेरे ख्याल से, जो आपने देखा वही आपको ज्यादा। तो मेरे ख्याल से यही है कि आपने जो पहले देखा आपको वही अच्छा लगेगा। कुछ रेयर ऐसे हो सकते हैं कि आपको लगे कि ओरिजिनल सिंगर की आवाज में बड़ा दम था, नसरत फतेह अली खान की आवाज में बहुत बड़ा दम था, तो मेरे ख्याल से उनको मैच करना तो डिफिकल्ट होगा। मैं बायस नहीं हो रहा, सिर्फ आवाज को सुन रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव की किसी इंसान की नेशनैलिटी क्या थी क्या थी उसका कुछ नहीं, आप सिर्फ साउंड करिए और जो कव्वाली गाने का तरीका है वो देखिए, तो आप बोलेंगे उनको हराना मुश्किल है। तो चलो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपने भी इंजॉय किया होगा, ठीक है ना, आप भी कंफ्यूज हुए होंगे हमारी तरह, भैया किस कौन सा अच्छा है कहीं में, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।